बता दें, घटना थाना सिरसागंज क्षेत्र अध्यापक नगर के दो मकानों में अज्ञात चोरों ने शनिवार की देर रात्रि को बंद पड़े सुने दो मकान के ताले चटका कर लाखों रुपए की चोरी कर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, अध्यापक नगर के दो मकानों में अज्ञात चोरों ने देर रात्रि को मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ले गए। वहीं घटना की जानकारी परिजनों को आस पड़ोस के लोगों से सुबह होने पर हुई, तब जाकर देखा कि चोर मकान से कई कीमती सामान अपने साथ ले गए। जहां अध्यापक नगर गली नंबर 2 के एक पीड़ित मकान स्वामी व्यक्ति अजय शर्मा ने बताया, मकान खाली रहने के कारण देर रात्रि चोरों ने मकान का ताला तोड़कर घरेलू बर्तन, कपड़े व खाने पीने का सामान अपने साथ ले गए। वहीं दूसरे मकान स्वामी ने बताया, अध्यापक नगर की गली नंबर 1 में उसके एक मकान में कुछ किराएदार रहते हैं, जो बीते दिनों अपने घर चले गए। वहीं शनिवार की देर रात्रि को अज्ञात चोरों ने मकान को बंद देखकर ताले चटका कर मकान में रखे इन्वर्टर, बैटरी, कूलर, पंखा, कपड़े व कई कीमती सामान अपने साथ ले गए। वहीं घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। वहीं पीड़ित व्यक्तियों ने पुलिस से जल्द चोरों को गिरफ्तार कर सामान वापस दिलाने की गुहार लगाई। हालांकि कहीं ना कहीं अज्ञात चोरों द्वारा एक ही जगह की दो गलियों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती देकर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट, SKH न्यूज। मैं राकेश शर्मा, अध्यापक नगर गली नंबर 2 से। मेरे मकान से चोर रात में घर के ताले तोड़कर बासन, कपड़े और कुछ क्या कहते हैं खाने पीने वाला आइटम, ये सब भर के ले गए यहाँ से चोर। तो मकान में जाने क्या, यहाँ घर में कोई रहता नहीं था, इसके ताले लगे रहते थे। और ये है कि इसकी कोई जल्दी साहब चोरों की देखभाल की जाए, साहब कहाँ मिलेंगे हमारा सामान मिलवाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अजय शर्मा। क्या मामला हो गया है? हमारे मकान में चोरी हो गई है आज रात को। कौन सी जगह मकान है? अध्यापक नगर गली नंबर 1 में। कैसे हो गई चोरी? क्या मकान कोई था नहीं? मकान में किराएदार रहते थे, वो अपने घर चले गए थे गाँव, ये खाली था मकान। चोर आए सुबह, मालूम पड़ा घटना का। क्या चोरी हुई? इन्वर्टर बैटरा वगैरह चला गया, और जो लोहे के सामान थे और पंखे, कूलर वगैरह ये सब ले गए, कपड़े वगैरह।